हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, मैंने अपना स्टोरेज रूम बनाया था, अंडरग्राउंड बनाया था बिल्कुल छुपा के। वहाँ से मैंने एक माइन भी स्टार्ट करी थी। तो आज हम कोई नई चीज़ करेंगे, आज हम घर बनाएंगे, अपना पर्सनल घर, और बहुत लग्जरी बनाएंगे और बहुत बड़ा बनाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, पता नहीं। तो जल्दी से नीचे चलते हैं एंड अपने घर की तैयारियाँ करते हैं। पानी मिल जाए कहीं, उसके ऊपर कूदे दिखता। एक बार अपनी माइंड में चल लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए खेले हुए मुझे गेम, तो जल्दी चलते हैं इसमें। और मुझे और दुख हो रहा है कि मेरी एक क्रिकेट वाली वीडियो डिलीट कर दी यूट्यूब ने। कॉपीराइट क्लेम आ गया था उस पर और यूट्यूब ने उड़ा दी। अब तो शाम हो रही है, चलो घर जाके सो लेते हैं पहले। यहाँ पर अंडा बड़ा है, किसी और के घर सोते हैं आज। जल्दी से यहाँ पर सो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ चुके हैं। आप जल्दी से अपने घर बनाने की तैयारियाँ करते हैं, जल्दी से बहुत सारी वुड ले आते हैं। अभी मैं क्वाड से तो नहीं बना सकता क्योंकि उसके लिए नेदर में जाना पड़ेगा मुझे। तो अभी नेदर में जा नहीं सकते क्योंकि मेरे पास ऑब्सीडन भी नहीं है। यहाँ पर कहीं पर लावा भी नहीं है, तो सॉरी, मैंने पिछली बार आयरन कलेक्ट करने की ट्राई करी थी मैं, जो कि नहीं कर पाया था। वो रहा नीचे जाली मारन, इसकी वजह से मैं बहुत बार मारा था, मेरा सारा सामान चला गया था। तो जल्दी से अब वुड इकट्ठी करते हैं, बहुत सारी। आज इतनी वुड इकट्ठी कर लेंगे किसी ने सोची ना होगी। बहुत बढ़िया घर बनाएंगे, फुल लग्जरी, बहुत सारी चीज़ें रखेंगे उसमें। एंड अपनी गेम पता नहीं क्यों लैग हो रही है इतनी। ये ले, पहले गाय मार देते हैं, अपने को भूख भी लग रही है बहुत ज्यादा। मरीन जी पता नहीं क्या कर रही है, पर की चलो जल्दी से पेड़ इकट्ठा करते हैं, मतलब काट के इकट्ठा करते हैं। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं पेड़ इकट्ठा करना एंड देखते हैं कौन सी वाली वुड मिलेगी। मैं थोड़ी सी वुड लूंगा क्योंकि मैं बाकी सोच रहा हूँ स्टोन का बनाऊ, स्टोन ब्रिक्स का, वो ज्यादा अच्छी लगती है। अभी तो मेरे पे कोई टूल भी नहीं है, तो जल्दी से इसे तोड़ते हैं। एक बार मैं अपने स्टोरेज रूम में जाके वहाँ से थोड़ा स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, उससे मैं स्टोन की चीज़ें बना लूँगा, स्टोन की टूल। ओए अबे यार, ये क्या हो गया, मुझे लगा वहाँ पर छोटा सा गड्ढा होगा, मैं उसके अंदर चला गया। ये तो पूरे नीचे गुफा बनी हुई थी, मैं उसके अंदर जाया मर गया। ये क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, रिस्पॉन हो जाते हैं, ऐसा तो होता रहेगा बार बार। एक बार जाके अपने स्टोरेज रूम में देख लेते हैं, स्टोन ले लेंगे वहाँ से, स्टोन के टूल्स बना लेंगे। जिंदगी में दुख ही दुख है भाई। जल्दी ही चलते हैं स्टोरेज रूम में। पता नहीं मेरे साथ ऐसे सीन क्यों होते थे सारे, मेरी क्या ही गलती थी वहाँ पर। देखो विलेजर भी कह रहा हूँ, वुड मेरे पे है नहीं। क्या यार, सोच रहा हूँ अभी क्या बनाऊं, अभी तो कुछ नहीं बना सकता, थोड़ी वुड इकट्ठे कर लाते हैं। जल्दी चलते हैं वुड इकट्ठे करने। ये वाला पेड़ तो टूटा हुआ है पहले से ही,
सामने वाला पेड़ इकट्ठा करते हैं। गुफा का गंदी थी यही पर थी ना। हाँ ये देखो फुद्दू किस्मत है भाई मेरी एकदम। अब यहाँ पर गिर ना जाऊँ, यहाँ पर बंद कर देता हूँ। वो अभी गिरता भाई बच गया। ये मैंने बंद कर दिया, तो इसको बंद कर दिया मैंने पूरी तरीके से। हो चुका पता ही लगेगा कि यहाँ पर कुछ था भी। अभी खाना बाद में कलेक्ट करेंगे, पहले मेन काम कर लेते हैं। खाना तो होता रहेगा, ये जरूरी है। तो जल्दी से पहले एक दो टूल्स बना लेते हैं, जल्दी से इस पेड़ को काटते हैं। लैग पता नहीं क्यों हो रही है इतनी गेम, कुछ हो भी नहीं रहा ढंग से। एक बार प्लैंक्स बना लेते हैं, से इजी रहेगी। 20 बन चुके हैं, थोड़ी स्टिक्स बना लेते हैं। एक बार अपने स्टोरेज रूम में चलता हूँ, वहां पर थोड़ा प्लैंक स्टोर कर लूंगा अपने, उससे मुझे आगे इजी होगी चीजें करने में। यहाँ से एक दो हेवेल ले लेता हूँ, इसे ब्रेड बना के खा लूंगा। स्टोरेज रूम ये रहा। जल्दी से ब्रेड बनाते हैं थोड़ी सी, 6 ब्रेड बन जाएगी, चलो बहुत है। अब मैं एक एक्स बना लेता हूँ, उससे जल्दी जल्दी पेड़ कट जाएंगे। एंड एक्स वुड, बाकी वुड मैं स्टोर कर देता हूँ, वो आगे के लिए काम आ सकती है। यहाँ पर स्टोन है, यहाँ पर नीचे देखता हूँ क्या है, यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ मैं इसे और इनको भी। तो चलते हैं अपना वहीं पर वुड काटने। एक ब्रेड खा लेते हैं, अंदर बढ़ जाएगी। सामने गधा घूम रहा है, जल्दी से छोटे से पेड़ को काटते हैं। यहाँ पर वुड्स इतनी अच्छी नहीं है, वोवली जो मुझे चाहिए थी, लाइट लाइट और डार्क कलर की वोवली थीम वाली वुड्स नहीं है, तो मुझे यही अभी इनसे काम चलाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ इनके ट्रैप डोर बना लूँगा, आगे किसी और बायोम में जाके मैं देखता हूँ अगर कुछ मिल जाएगा तो, या फिर अपने घर की वुड्स को बाद में रिप्लेस कर लेंगे। अभी मेरे पे खाने की कमी हो रही है तो ये ले। जल्दी से इसे तोड़ते हैं, काफी बड़ा बड़ा पेड़ है ये, टूट गया है काफी। 21 लोग हो चुके हैं अभी फिलहाल के लिए, तो इतने बहुत हैं। या फिर मैं और इकट्ठे कर ही लेता हूँ, मुझे नदी पार करके जाना पड़ेगा लगता है। अभी तो दोपहर हो रही है, मतलब शाम होने ही वाली है, तो जल्दी से इनको थोड़े से काट लेते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। बाकी कोऑर्डिनेट्स तो है ही मेरे पे, अगर घूम भी हो जाऊँ तो ज़्यादा दूर भी नहीं अपना विलेज। विलेज में ही बनाऊँगा अपना बढ़िया सा घर, सबसे टॉप पे, ज़्यादा टॉप पे भी नहीं कि नीचे आना मुश्किल हो जाए स्टोरेज रूम तक। अब वापस चलते हैं, इतने तो हो ही गए हैं कि मतलब मैं ढांचा बना सकता हूँ अपने घर का। ये कौन मार रहा है भाई, भाई बहुत गंदा डैमेज पड़ा है,
मुझे लगता है नीचे ट्राइडेंट वाला बंदा मार रहा है। ट्राइडेंट वैसे ही इतना डैमेज देता है। ये मेरा प्लेयर भी तेज नहीं भाग रहा, लैग इतनी हो रही है, गेम समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी ब्रेड कहाँ गई? लगता है मैंने वहां पर गलती से ब्रेड ड्रॉप कर दिया। चलो कोई बात नहीं, उसे बाद में देख लेंगे। वहां पर कहा है, इसको मारता हूँ। एक केरी एक नीचे, खाना चाहिए ही अपने को। रुक, एक और कहा कि भाई यहाँ पर एक और थी, नीचे गिर गया। नहीं ये ले। तो चलो अपने पास अच्छा खासा बीफ हो चुका है, जल्दी से अपने स्टोरेज रूम में जाते हैं। इसको मेल्ट, मतलब मेल्ट नहीं करेंगे, पका लेते हैं इसे, फिर खा लेंगे। यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ इसलिए नहीं लगा रखी, नहीं तो ज़ोंबी ज़ोंबी आ जाएंगे बाहर से, क्रीपर आ जाएगा एकदम से, मुझे दप्पा मार देगा। फर्नेस कोई भरी है क्या जिसमें कोल कूलो? तो वैसे एक खाना पक जाए बस इसमें, चलो बहुत है। प्लैंक्स अभी जुड़त तो नहीं है, प्लैंक्स क्या, अभी मैं घर का ढांचा बना लेता हूँ। रात हो रही है यहाँ पर, जल्दी से सामने वाले घर में जाकर सो लेते हैं। आज इसमें सोएंगे, रोज अलग अलग घर में सोएंगे। ये भी लाइब्रेरियन का घर है, यहाँ पर बेड ही नहीं है भाई। दो मंजिला घर बना लेते हैं, इनके पास बेड तो होता नहीं। रात भी हो चुकी, कोई क्रीपर आके मुझे मार देगा। बेड है नहीं इनपे, क्या लोग हैं यार ये विलेजर भी। लाइक यहाँ पर है क्या भाई? हेलो, आई नीड बेड। यहाँ पर भी नहीं लगाओ, इस घर में है क्या? यहाँ पर तो कम से कम, मैं पिछली रात यहीं पर सोया था, इस पे है तो, इस पे तो है ही बेड। जल्दी से चलते हैं यहाँ पर। ये पानी क्यों परेशान कर रहा है भाई इतना? जल्दी से दरवाजा बंद करते हैं, नहीं तो कोई क्रीपर आके मुझे मार देगा। जल्दी से सो जाते हैं, सुबह उठ के अपना घर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब तो ढांचा ही बन पाएगा, बेस भी नहीं बन पाएगा पूरा। सोच रहा जो बेड होगा ना, मतलब बेड बोल रहा हूँ मैं, ढांचा जो होगा, मैं सोच रहा हूँ जो ढांचा होगा ना उसे खाली लोग से बनाएंगे, प्लैंक्स बाद में उसको फिलिंग करने के लिए यूज होएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब भी जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ बनाने को, अभी मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद समझ आ जाएगा। कहाँ पर बनाऊँ अपना घर? यहाँ पर नहीं, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। सही तो है जगह, लेकिन विलेज से थोड़ी दूर हो जाएगी। विलेज के बिल्कुल साथ बनाएंगे, चेप होके बिल्कुल। पहले जाकर अपना खाना ले आते हैं। गेम इतनी लैग हो रही है, एक तो पता नहीं मैं कैसे खेल रहा हूँ। जल्दी से खाना पका लेते हैं, एक तो डरावनी सी आवाजें आ रही है। एक दो रख देते हैं यहाँ पर, दो रख देते हैं। चलो खाना कहाँ रखा था मैंने? यहाँ पर। हाँ खाने को खा देते हैं।
जब तक ये पक रहा है तब तक इसे देखते रहते हैं, और क्या ही कर सकते हैं हम, आवाज़ें सुनते रहते हैं ज़ॉम्बीज की। यहाँ पर कोई केव है तभी इतनी ज़्यादा गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है मॉब्स की, बिल्ली की, ज़ॉम्बी की, गंदी बहुत लग रही है। तो होने वाला खाना कोक, तो अपना खाना कोक हो चुका है, एक दो खाने के पीस यहाँ पर रख देते हैं। अब चलते हैं बाहर से, थोड़ी ब्रेड भी ले लेंगे या फिर यहाँ से थोड़ी कैरेट तोड़ लेते हैं। बीफ जरूरी है, कोई बढ़िया पौधा मिल जाए कैरेट का तो उगाओ। अभी तो बहुत है कैरेट, पूरा पूरा खाएंगे भाई, कंजूसी करेंगे। चलो अब घर सोचते हैं कहाँ पर बनाना है। अभी खाली ढांचा बनाएंगे आज इस वीडियो में, मुझे घर की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा। यहाँ पर बनाते हैं, चलो ऊपर आयरन पड़ा बहुत सारा, ये तो सही सीन हो गया, यहाँ से मैं आयरन तोड़ लूँगा। तो मैंने सोच लिया जगह, यहाँ पर अपना हम घर स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ पर चांदी का, चांदी की ईंट रख देते हैं। एक सेकेंड, पहले ये साफ करो। अब यार पहले क्यों रख दी, बाद में रखनी है। पहले यहाँ से ग्रास हटाते हैं, हट ही चुकी है ग्रास, बस थोड़ी सी आगे और यहाँ से थोड़ी ग्रास भी हटा लेते हैं, मतलब ग्रास ब्लॉक हटा लेते हैं, डर्ट, मैं नाम पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ बार बार। ये हमारा पूरा घर हो जाएगा। तो हम नींव की ईंट रख देते हैं, सबसे पहली ईंट हम रखेंगे यहाँ पर। तो गाइस हमारा घर बनना स्टार्ट हो चुका है, ये मैंने गलत ईंट रख दी, इसको हटाओ। ये है हमारी नींव की ईंट, ना ये नहीं, यही ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, इतनी हाइट आई थिंक ठीक रहेगी, क्योंकि मैं ये पूरा फ्लोर बना दूंगा, काफी मस्त रहेगा। अब यहाँ पर देखते कितने ब्लॉक छोड़ने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस बहुत है, इतना ठीक रहेगा, इतनी हाइट है ना। हाँ तो हमारे चार पिलर खड़े हो जाएंगे घर के, इसको भी हटाना पड़ेगा मुझे, इन ग्रास को, मेरे पे शवल नहीं है, हाथ से ही हटा लेते अभी तो। ये इसको कैसे हटाऊं भाई, अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ। चलो पूरी हो जाएगी, अभी फिलहाल इसी से बना लेते हैं, स्टोन की बना लेते हैं, इजी रहेगा उससे। तो चलो इसको यहीं पर पड़े रहने देते हैं,
तो जल्दी से हम स्टोन उठ हटाते हैं, ऊपर कोल भी है वो भी अपने काम आ जाएगा, उसे बाद में देखते हैं, पहले अपने घर की तैयारी कर लेते हैं, अपना कोई ठिकाना तो हो जाएगा पहले। ये क्यों तोड़ रहा मैं, ये मुझे ये तोड़ना चाहिए। ठीक है, कितनी बेकार लग रही है वुड, मैं इसको चेंज करूँगा अभी तो फिलहाल, काम चलाने के लिए लगा दी है मैंने, लेकिन बेकार है बिल्कुल, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। यहाँ पर कितनी लंबाई छोड़ूँ, ये हटाना पड़ेगा। काफी क्लियर कर ही दिया मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया और ऊपर ऊपर का रह गया, बाकी नीचे का तो हो चुका है। ये घर भी मेरा टेम्परेरी रहेगा क्योंकि मुझे ढंग की जगह तो मिल नहीं रही, और छोटा सा घर है ये, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसकी 2-3 फ्लोर आराम से बना दूँ। अब इसे यहाँ पर रखते हैं, अब ब्लॉक सोचता हूँ कितने छोड़ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ठीक है, 9 ठीक ही है। ब्लॉक क्यों नहीं लग रहा भाई, ये पिकेक्स निकाल थोड़ी से तोड़ दे पहले। काफी कंजेस्टेड एरिया में बन रहा है मेरा घर, पता नहीं क्या ही होएगा इसका, पर पहाड़ है इतना बड़ा, इसी को काटना पड़ेगा। जल्दी से यहाँ से कूदते हैं, यहाँ पर क्या लगेगा भाई, यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्या मुझे, तो हमारा लास्ट पिलर भी कंप्लीट हो चुका है, अपने घर का ढांचा भी कह सकते हैं थे, कुछ भी कह दो, बस कंप्लीट हो चुका है ढांचा, अपने घर की नींव बन चुकी है। तो गाइस हम इस घर को मॉडर्न हाउस बना देंगे पूरा, ऊपर तक फ्लोर होंगे इसके, ऊपर आयरन दिख रहा है, मेरा मन ललचा रहा है, उसे अगली वीडियो में लेंगे। तो यहाँ पर सामने कोल भी है बहुत सारा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगली वीडियो में इस घर को थोड़ा सा कंप्लीट और कर देंगे, एक फ्लोर तो बना ही देंगे, तो बाय।